हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग बिगिनर हैं, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना या रीड करना नहीं आता, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वे है इंग्लिश को सीखने का। इसमें हम एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है? एक एक वर्ड के बारे में मैं आपको हिंदी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है गॉड इज़ मर्सीफुल। गॉड मीन्स भगवान, इज मीन्स है, मर्सीफुल मीन्स कृपालु या दयावान, ठीक है? गॉड इज मर्सीफुल, भगवान कृपालु हैं। ये देखिए, अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्चर्ड। एक राजा है, ठीक है, उसके पास क्या था? हैड मीन्स था। कोई भी चीज़ हमारे पास होनी तो हम हैड लगाकर उसको बता सकते हैं। किंग हैड अ लार्ज मीन्स बड़ा, ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा, ठीक है? ये आप लिखते जाइए हाथ के हाथ, ठीक है? ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा। किंग के पास बहुत बड़ा बगीचा था। अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ट्रीज वर प्लांटेड देयर। अ वेराइटी मीन्स तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के ऑफ फ्रूट्स, फल, तरह तरह के फल, फलों के जो ट्रीज थे, पेड़ थे, वर प्लांटेड मीन्स उगाए गए थे। प्लांटेड मीन्स उगाना, ठीक है? ये क्या है? पैसिव का सेंटेंस है ये। वर प्लांटेड देयर, वहाँ पर उगाए गए थे। मैनी फ्रूट्स बिकेम राइप एवरी डे। मैनी मीन्स बहुत फल, बिकेम राइप, राइप मीन्स पकना, ठीक है? पक गए थे एवरी डे। मैनी फ्रूट्स बिकेम राइप एवरी डे। द गार्डनर यूज टू कलेक्ट दोज राइप फ्रूट्स फ्रॉम द वेरियस ट्रीज एंड टेक देम टू द किंग। जो माली था, जो गार्डनर था, यूज टू कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, इकट्ठा किया करता था, ठीक है? यूज टू हम तब लगाते हैं जब हम कोई काम पास्ट में किया करते थे। यूज टू कलेक्ट दोज, दोज मीन्स उन राइप फ्रूट्स, पके हुए फलों को, फ्रॉम द वेरियस ट्रीज, ठीक है? तरह तरह के पेड़ों से, तरह तरह के पेड़ों से, फ्रॉम द, फ्रॉम मीन्स से, एंड टेक देम, और उनको ले जाता। देम मीन्स उनको, मीन्स फ्रूट्स को ले जाता, ठीक है? टेक, टेक मीन्स ले जाना, टू द किंग, किंग के पास, ठीक है? वन डे द गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज एंड टुक देम फॉर द किंग। एक दिन जो माली था, गार्डनर था, कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया सम चेरीज, कुछ चेरीज को, एंड टुक देम, उनको ले गया, फॉर द किंग, किंग के लिए, ठीक है? दैट डे द किंग वॉज इन अ बैड मूड। उस दिन, दैट डे मीन्स उस दिन, राजा, द किंग, वॉज, था, इन अ बैड मूड, बहुत ही बुरे मूड में था, ठीक है? उसका मूड अच्छा नहीं था, गुस्से में था। ही पिक्ड अ चेरी टू टेस्ट। ही पिक्ड, पिक्ड मीन्स उसने एक चेरी उठाई, ठीक है? टू टेस्ट, टेस्ट करने के लिए एक चेरी उठाई। इट वॉज सॉर, सॉर मीन्स खट्टी, ठीक है? क्या थी वो? इट वॉज, वह खट्टी थी। इट वॉज सॉर। नाउ द किंग्स एंगर वॉज एट इट्स पीक। अब राजा का जो गुस्सा था, राजा का, किंग्स मीन्स ये होता है अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है? इसका मीन्स है जैसे राजा का, की, इस तरह से। तो इसमें है किंग्स एंगर मीन्स राजा का गुस्सा। वॉज एट इट्स पीक, मतलब बहुत ज्यादा पीक पर था, बहुत ज्यादा तेज गुस्से में था वो। ही थ्रू अ चेरी एट द गार्डनर। ही थ्रू मीन्स उसने फेंक दी अ चेरी, ठीक है, एट द गार्डनर, गार्डनर के ऊपर फेंक दी। जब उसने टेस्ट करी, उसको खट्टी लगी, तो उसने उसके ऊपर फेंक दी चेरी। द गार्डनर वॉज हर्ट। जो माली था वो हर्ट हो गया था, ठीक है, उसको लगी थी। बट ही सेड, उसने कहा, गॉड इज मर्सीफुल, कि भगवान जो है वो क्या है? दयावान है। ये देखिए, ये राजा है, इसने चेरी को टेस्ट किया और चेरी उसके मुंह पर गिरी, ठीक है? बहुत जोर से उसने, उस खट्टी थी और गुस्से में था, तो उसको गुस्सा आया, तो उसने चेरी उसके मुंह पर फेंक दी। लेकिन फिर भी गार्डनर ने बोला कि गॉड इज मर्सीफुल, ठीक है। द किंग वॉज सरप्राइज्ड। जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था, मतलब आश्चर्यचकित हो गया था, एट द गार्डनर्स वर्ड, माली के शब्दों के ऊपर। देखिए, गार्डनर्स वर्ड, माली के शब्द, ठीक है, उनके ऊपर बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। ही आस्क, उसने पूछा, आई हैव हर्ट यू, कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, दुख दिया है, एंड यू से गॉड इज मर्सीफुल, वाई?
और तुम कहते हो, यू से गॉड इज मर्सीफुल, कि भगवान कृपालु है, दयावान है. वाई, कैसे? ठीक है, ये देखिए अब क्या है. द गार्डनर सेड, ठीक है, फिर गार्डनर ने बोला, द गार्डनर सेड योर मेजेस्टी, गार्डनर ने बोला कि आपकी जय हो, आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटरमेलन्स, ठीक है, कि मैं, आई वॉज गोइंग टू मीन्स लाने वाला था, ब्रिंग मीन्स लाना, वाटरमेलन्स मीन्स तरबूज, कि मैं तरबूज लाने वाला था, कि चेरी की बजाय मैं तरबूज लाने वाला था, बट फॉर्चुनेटली मीन्स किस्मत से, परंतु किस्मत से आई चेंज्ड माई माइंड, कि मैंने अपने दिमाग को बदल दिया. इमेजिन, कि सोचो, वॉट वुड हैव हैपेंड, क्या होता, ठीक है, वॉट वुड हैव हैपेंड, क्या होता, इफ़ यू हैड थ्रोन अ वाटरमेलन एट मी, अगर आप मेरे ऊपर वाटरमेलन फेंक देते, ठीक है, एट मी मीन्स मेरे ऊपर वाटरमेलन फेंक देते. ये देखिए, वुड हैव और हैड लगाए, मीन्स अभी वो बात हुई नहीं है, वो जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिन एक बस सोच रहे हैं कि वॉट वुड हैव हैपेंड, कि क्या होता, हुआ नहीं है. इफ यू हैड थ्रोन अ वाटरमेलन एट मी, दैट इज वाई, यही कारण है, आई सेड गॉड इज मर्सीफुल, इसीलिए, दैट इज वाई, इसीलिए मैंने कहा, आई सेड गॉड इज मर्सीफुल, कि भगवान जो है वो बहुत कृपालु हैं. किंग ऑल्सो लाफ्ड एट इट, जो राजा था वो भी इस बात पर लाफ्ड मीन्स हंसना, हंसने लग गया. ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो माली जो है, माली ने गुस्सा नहीं माना, उसने भगवान का शुक्र मनाया कि भगवान इज मर्सीफुल, कि मैं तो पहले वाटरमेलन लाने वाला था, क्या होता अगर ये मेरे ऊपर सर पे वाटरमेलन फेंक देते, उसमें भी उसने भगवान का शुक्रिया मनाया. तो हमें भी हमेशा भगवान का शुक्र करना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो. ठीक है, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी गाइज, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़.